अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी ईद कमेटी ऑफ न्यू जर्सी यहाँ नमाज का एहतमाम कर रही है ईद की। तो ये इलाका टैनिक का इलाका है और इसमें यहाँ सब लोग हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं पूरी दुनिया से जो आबाद है यहाँ पे वो सब यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और ये हर साल की तरह इस साल भी ईद कमेटी ऑफ न्यू जर्सी जो है गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला इन्होंने रखा हुआ है माशाल्लाह। तमाम जितने भी ईद वगैरह की नमाजें वगैरह इनका एहतमाम करते हैं। आज इन्होंने जो है यहाँ ईद की नमाज का भी एहतमाम किया है और एक फेस्टिवल भी मुनक्कद किया है जिसमें बच्चे बड़े सब लोग इसमें इंजॉय करेंगे, शिरकत करेंगे, नमाज ईद अदा करेंगे और इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला यहाँ होगा। आज ईद उल अज़हा की नमाज का यहाँ एहतमाम किया गया है। ये फौजियों की इदारा है, आर्मरी के नाम से मशहूर है टीनेक में। ये जो फौजी जैसे इनकी तमाम जो यहाँ प्रोग्राम होते हैं, इनकी एक्टिविटीज होती है, ट्रेनिंग होती है इनके, माशाल्लाह बहुत बड़ी अंदर जगह है, बहुत बड़ा हॉल है और जितनी आप जगह यहाँ देख रहे हैं कितनी जगह चारों तरफ है। ये तमाम हमारे मुसलमान भाई बहनें बच्चे वगैरह सब यहाँ आ रहे हैं अभी, और अभी चूंकि एक आधा घंटा बाकी है तकरीबन, तो यहाँ अभी सब तैयारी भी चल रही है और ये फेस्टिवल भी देखें यहाँ इनकाद किया गया है। ये ट्रक देख रहे हैं आप, ये माशाल्लाह यहाँ खाने पीने का और सब हलाल खाने मिलेंगे। ये बाबा तिक्का के नाम से है, हमारे शाहिद साहब यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। शाहिद साहब चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो इनकी, शाहिद साहब जो है अपना ये ट्रक लेके आते हैं, बहुत ही जायकेदार इनका खाना होता है, बहुत A1 होता है। और शाहिद साहब और उनकी पूरी फैमिली जो है ये हमेशा पहुँचती है हर जगह। तो ये है कि माशाल्लाह देखें इनका शादी ब्याह और हर जगह इनकी जो है खाने में बहुत मशहूर है शाहिद साहब के। तो मैं आपको अभी शाहिद साहब से भी बात करवाता हूँ। और देखें दिगर हमारी बहनों ने और दिगर लोगों ने भी यहाँ पे इस साल लगाए हैं माशाल्लाह। टिनक आर्मरी कहलाती है जगह। अभी देखें ये हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ जाएंगे, शिरकत करेंगे। और ये इनका बाबा तिक्का के नाम से मशहूर है माशाल्लाह इनका जो है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जो भी हमारी तकरीबात हो हमारे मुसलमान भाइयों की, आप माशाल्लाह हाजिरी देते हैं और शिरकत करते हैं, जी, आज जी, के जी, बारे में बताइए कुछ माशाल्लाह। आज भी हम आए हैं इंशाल्लाह, एवरीथिंग जैरो समोसा पकौड़ा चाट वगैरह एवरीथिंग लेके आए हैं और फ्रेश बना रहे हैं। अंदर आप जाएं, अंदर जाके देखें, हर चीज बन रही है। हमारी बहन है माशाल्लाह शाहिद भाई और उनकी मिसिज और जो है ये सब इसमें यहाँ काम करते हैं। बिल्कुल चले हमारे आपको बताते हैं। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे खैरियत से? माशाल्लाह हमेशा जो है हमारी खुशियों में हमारे मुसलमान भाइयों की आप लोग शिरकत करते हैं। ये लीजिए जरा, क्या क्या आप क्या क्या बनाया आपने माशाल्लाह बहन? ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हैं अपने देसी खाने जो इतने अच्छे लगते हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या क्या है बताए जरा थोड़ा। समोसा पकौड़ा बना रहे हैं कबाब है। ये हमारे शाहिद साहब की मिसिज हैं। बहन क्या नाम है आपका? मुसरत शाहिद। मुसरत शाहिद साहिबा जो है माशाल्लाह, आप बच्चे सब जो है ये लगे रहते हैं खिदमत में ना, तो माशाल्लाह टीम वर्क दिखाए क्या क्या चीजें यहाँ पे। अच्छा ये समोसे जो है ये आलू के समोसे हैं? जी वैसे समोसा आलू का। माशाल्लाह ये गर्मा गर्म आलू के समोसे बनाए हैं यहाँ पर, सारा सामान है। और क्या क्या चीजें बना रहे हैं? अच्छा चिकन जायरो माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी पापड़ी चाट भी है और चिकन जायरो भी बनाएंगे आप, समोसे भी हैं,
अच्छा वेज वेजिटेबल का पकौड़ा भी है माशाल्लाह वेरी गुड। आइए थोड़ा सा मैं आगे देखो थोड़ा सा माशाल्लाह। और ये समोसे तो माशाल्लाह ये बहुत ही जायकेदार अजीत का दिन है, तैयार कर रहे हैं गर्मा गर्म, तो इसको ज्यादा तादाद में करें क्योंकि नमाज के बाद तो बहुत रश हो जाएगा आपके यहाँ माशाल्लाह। और उस तरफ जो है और भी चीजें माशाल्लाह, ये वो चिकन ओवर राइस का वो चिकन है उसके लिए ना, जायरो के लिए। अच्छा जायरो के लिए, पकौड़ों का सामान है ये, पकौड़ों के लिए वेरी गुड। तो तैयारी कंप्लीट है आपकी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चले अल्लाह ताला कामयाब करे। और बहुत आपके खाने का तो पूरे मकसद के यहाँ अमेरिका में बड़ा नाम है, मशहूर है बाबा टिक्कर का, तो शाहिद साहब जो है माशाल्लाह बहुत ही मशहूर है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखे शाहिद साहब का जो ट्रक है बाबा टिक्का के नाम से, बाहर का मंजर आपको दिखाऊं थोड़ा। ये देखे आर्मोरी की यहाँ टैंक लगाई गई है, और ये हिस्ट्री इसकी यहाँ पे देखेंगे, न्यू जर्सी आर्मी नेशनल गार्ड टिनेक आर्मोरी, दी हिस्टोरिक टिनेक आर्मोरी ओपन इन 1938, ओरिजिनली हाउस द 104th इंजीनियर्स बटालियन। व्हेन द यूनिट डिसबैंडेड इन 1993, द बिल्डिंग बिकम द क्वार्टर फॉर 15 मेन सपोर्ट बटालियन आर्किटेक्ट्स हग कैली एंड द लोइस एस कैप्लॉन, नॉन फॉर देयर वर्क ऑन स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग डिजाइन दिस हैंडसम स्ट्रक्चर। इसके बारे में पूरी तफसीलात देखें लिखी गई है। न्यू जर्सी हिस्टोरिक आर्मरी बिटवीन दी 1890 and 1930, the New Jersey Armory National Guard building, dozen of armories in cities and towns throughout the state. The armories provided secure facility in which equipped weapon and ammunition were stored in case of state or national emergency. Larger armories like Atlantic City were designed for Union Horse United, smaller armory like those at Burlington and Woodbury were single company for infantry unit. ये पूरी इसकी तफसीलात या दर्ज है इसकी आर्मरी के बारे में। देखिए लोग आए आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं माशाल्लाह। जो फ्रंट पे भी इनके रास्ता है और बैक पे भी रास्ता है। 1936 में देखें ये यहाँ एक साइन बोर्ड लगा है आर्किटेक्ट का, जो आगे जो भी इसके आर्किटेक्चर है उनका, हग ए केली। लोग दर जो फैमिली आ रही है ईद की नमाज अदा करने के लिए, तो आधा घंटा पौना घंटे के बाद अंदर नमाज पढ़ाई जाएगी ईद की, और इसके बाद सब लोग कुर्बानी देंगे अपने अपने जानवरों की। और नमाज के बाद देखिए बाहर फेस्टिवल में भी एंजॉय करेंगे, और हलाल खाने पीने की तमाम चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। चले अंदर चलते हैं। ये हॉल के अंदर सब नमाजी, ये सेपरेट जो पोर्शन लेडीज के लिए है और ये जेंट्स के लिए है। यहाँ भी सर्विस हो रहा है बाकायदा खाने पीने की चीजें। देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा हॉल है।
यहाँ बच्चों के लिए खिलौने रखे जाएंगे और आखिर में ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस जगह पे देखिए बॉक्स में खिलौने रखे हुए, ये पूरा पोर्शन जेंट्स के लिए और बैक साइड जो है वो लेडीज के लिए सारी। ये सब खिलौने रखे हुए बच्चों के डिस्ट्रीब्यूट के लिए। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए आलम इस्लाम के मुसलमान सब यहाँ जमा है और ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के लिए मौजूद है। Part of the system.
change has to come from within, and we are all agents of change. May Allah accept the Hajj of all our brothers and sisters who were so fortunate to perform it this year, and may we all be blessed during this day. God bless us all, and God bless the United States of America. Thank you. Assalamu alaikum. MashaAllah, barakallahu feekum. What a beautiful sight. Allah subhanahu wa ta'ala increase us all in faith and our trust in Allah subhanahu wa ta'ala and our submission and surrender to Him. Alhamdulillah, this is a truly sacred day. We are about to perform the Eid prayer. Just some quick notes about the significance of this day. This is obviously for the Muslimin, our day of celebration. It is to commemorate the sacred sacrifice of the father of prophets, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Hajar, Sayyidina Ismail, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with them all. And so we have to understand that this day is a day of worship. Fundamentally, it's a day of worship. Yes, it is a day where we are going to have fun and celebrate and exchange gifts and have wonderful food and drink chai, inshallah. But it's a day of submission and surrender and worship. To ensure that you get the full reward for the Eid prayer, make sure you do the following. You are going to pray the 2 units of Salah, and then there will be a brief khutbah for Eid. To get the full reward, you will have to attend